But I'm afraid, what if someone comes and take our camera? गुड आफ्टरनून गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हाँ जी, आज मैंने अफगानी कपड़े पहने हुए हैं यार। ये अफगानी कपड़े मैं लेके आया था अफगानिस्तान के लिए, जब मैं इंडिया से चला था कि अफगानिस्तान में जाऊंगा मैं लगभग एक हफ्ते के लिए। लेकिन अफगानिस्तान की जो मौजूदा हालात हैं उनको देखते हुए अफगानिस्तान का जो प्लान था वो मैंने कैंसिल कर दिया। लेकिन अब मेरे पास बाकी जो कपड़े थे वो हो गए थे मैले, और मेरा बहुत दिनों से मन था कि यार मैं उज़्बेकिस्तान के अंदर एक बार अफगानी कपड़े पहन के हिच हाइकिंग करूँगा। तो आज आ गया है वो दिन जब मैं इस पोशाक को पहन के रोड को हिट करने वाला हूँ। एंड हाँ जी, अभी हूँ मैं खीवा के अंदर, और ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हो ये है खीवा का फोर्ट्रेस, और इधर हैं हमारे भुवानी भाई तमिल ट्रैकर। सेम इसी टाइप का आर्किटेक्चर और सेम इसी टाइप का जो ब्लूइश इफेक्ट है ना, आपको ईरान के जो मॉस्क और ईरान के जो पैलेसेस हैं उनके अंदर मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ हमारे भुवानी भाई से। हाय, हेलो भाई साहब। तो भुवानी भाई हैं तमिलनाडु से, और भुवानी भाई के चैनल का नाम है तमिल ट्रैकर। जो चैनल की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, और भुवानी भाई की जो इंस्टाग्राम आईडी है वो यहाँ पे शो हो रही होगी। थैंक यू सो मच। भुवानी भाई से पहली बार मैं मिला था दुबई में, बाद में फिर भुवानी भाई के साथ एक लफड़ा हो गया था। भुवानी भाई जा रहे थे यूक्रेन, लेकिन थैंक्स टू यूक्रेन एयरवेज भुवानी भाई को बोर्ड ही नहीं करने दिया। सलाम, या इंडिया, नमस्ते। अफगानी कपड़े पहन के नमस्ते, लोगों को लगा कि कर क्या रहे। इट्स ओके, आई एम नॉट कैरिंग एनी बुलेट्स और अभी मैं नेट के ऊपर सर्च कर रहा था खीवा के बारे में। ये उज़्बेकिस्तान की सबसे पहली लोकेशन थी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुई थी इन 1991, और एक टाइम पर खीवा सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा स्लेव मार्केट हुआ करता था। फ्रॉम रशिया साइड एंड फ्रॉम ईरान साइड, दोनों यहाँ पे जो ट्रेडर्स थे वो आते थे और यहाँ पे जो स्लेव्स थे उनको ख़रीदते थे। और इस फोर्ट्रेस का जो कंस्ट्रक्शन था वो आज से लगभग 1500 या 1600 साल पहले हुआ था। ओके ब्रात, स्पसिबा, रहमत। जो गर्मी के मेन आवर्स थे वो भी पूरे हो चुके हैं, एंड अभी समय हो रखा है शाम के 5 बजे, और शाम के 5 बजे भी आप जो सूरज की गर्माहट है इसको मेरे चेहरे पर महसूस कर सकते हो। तो आज हम दोनों कैंपिंग करने वाले हैं तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर के पास, जो अमू दरिया है उज़्बेकिस्तान की सबसे बड़ी रिवर। उज़्बेकिस्तान में तो स्टार्ट नहीं होती है, इट स्टार्ट फ्रॉम ताजिकिस्तान और एंड्स अप इन अरालसी। तो उस नदी के किनारे पर हम कैंपिंग करेंगे। नदी के एक तरफ है उज़्बेकिस्तान और नदी के दूसरी तरफ है तुर्कमेनिस्तान। हमें हमारी शेयरिंग टैक्सी मिल गई है 430 किलोमीटर। ताजमहल आगरा, आगरा ना ना, शाहजहान। उज़्बेकिस्तान के अंदर एक फनी बात लगी मेरे को, यहाँ के कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो ताजमहल है वो उज़्बेकिस्तान के लोगों ने ही बनवाया है। ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि जो बाबर था वो उज़्बेकिस्तान से था, नियर टू किर्गिस्तान बॉर्डर अंदिजान। ये है उज़्बेकिस्तान की सबसे बड़ी रिवर अमू दरिया, और आज रात को हम इसी के किनारे पर कैंपिंग करने वाले हैं, लेकिन यहाँ से लगभग 50 से 60 किलोमीटर और दूर। रहमत ब्रात, रहमती कलों में। पहले यहाँ से हम पानी खरीदेंगे, कम से कम 6 लीटर, 3 लीटर मैं ले लूँगा, 3 लीटर भुवानी भाई, और कुछ खाने का सामान। मुझे तो ज़्यादा भूख लगेगी नहीं रात को, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खाने का। इंडिया, ओह, मिथुन चक्रवर्ती, दादा मिथुन चक्रवर्ती।
इन CIS कंट्रीज के अंदर है ना, आपको एनर्जी ड्रिंक के बहुत वेरिएंट मिल जाएंगे दबा के कैफे ने इसके अंदर। ये है जैगवार, यहाँ पे रेडबुल भी है, फ्लैश, अदर लेन, चुचुत पनीमायन, स्पसीबा, रहमत, रहमत, दवाई ब्रात। यार जहाँ भी जाओ ना अपनी छाप छोड़ के आ जाओ। आज मजे बहुत आ रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि भाई ये बंदा है कहाँ से, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान। फिर मैं बोलता हूँ नहीं 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 नहीं, आप मेरे भेष या वेश जो भी बोलते हैं इस पे मत जाइए। सर पे लाल टोटी, टोटी टोपी नहीं टोटी, सर पे लाल टोटी, अफगानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरे जूते हैं क्वेचा के, मेरे कपड़े हैं अफगानी, सर पे लाल टोटी, टोटी फिर टोटी भैंस की। तो अभी जो हमारी कैंपिंग की डेस्टिनेशन है स्टिल 44 किलोमीटर्स, लेकिन हमारा खाने का जुगाड़, हमारा पीने का जुगाड़, पानी का जुगाड़, सॉरी, वेदर गन, वेदर गन, लेट्स कम ब्रथ। ओ लिफ्ट मिल गई। सलाम वालेकुम, बेजर गेन, यो यो, कुदा ते दियो, फार्क में बर किलोमीटर, आधीन किलोमीटर, आधीन किलो, हाँ, ना, बोला तो को, मैंने, आ दा, हिंदुस्तान, लाने में तो रिक्त मशीन है, हेलो, हेलो, हिंदुस्तान, नमस्ते उज़्बेकिस्तान, या, माया क्रसी, माया, या, लुबी, माया, नीमारे क्या दम से ले रहे? हुआ क्या था कि जिन भाइयों ने हमें लिफ्ट दी थी वो बस रोड पे जा रहे थे बाय बाय करते हुए, मैंने बोल दिया बेजर गैन जहाँ पे हमें जाना है आज, और भाइयों ने गाड़ी रोक ली, बोलते कि हम तो सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए जा रहे हैं, अगर आपको जाना तो आ जाइए। एक बार तो मन में आया कि यार 1 किलोमीटर के लिए इससे अच्छा कि लिफ्ट मांग लेंगे और, लेकिन बंदों ने रोकी, तो अगर यार कोई आपके ऊपर आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है कोई बात नहीं यार, अगर आप लेट भी हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। खुदा दे दियो, बेजर गैन, बेजर गैन, या बेजर काकती वे सबूत आतंगा इतवार आतंगा। हेलो, ये भाई साहब ने अपने दोस्त का फोन दे दिया उनको मिला के, और अब उनसे मैं वीडियो चैट कर रहा हूँ, ना इनको कुछ समझ आ रहा है ना मुझे कुछ समझ आ रहा है, बस कर रहे हैं। ये हिच हाइकिंग के थोड़े वो हैं, नॉर्मल ना। मैं बंदे को कंफ्यूज कर देता हूँ 3-4 वर्ड बोल के, बंदा सोचता है ये तो लिटरेचर लिख देगा पुष्किन की तरह। अब पुष्किन कौन था? पुष्किन वाज हिंदुस्तान नाम है, मुंशी प्रेमचंद ऑफ रशिया। तो हम जाने से फिल्म ही जाएगा हम। अभी तक का जो एक्सपीरियंस है ना वो तो एक नंबर का जा रहा है, बस लोगों को थोड़ा डाउट होता है कि ये बंदा कहाँ से है। तो मुझे तो अभी तक ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी यार, एवरीथिंग इज गोइंग अमेजिंग। व्हाट डू यू थिंक मैन, इज देयर एनी डिफरेंस आई एम वेयरिंग दिस क्लोथ्स और नॉट? आई डोंट थिंक सो, नॉट फॉर यू, फॉर द पीपल। When you're crossing the road, they are asking me. What they said? Where are you from? I tell India, Pakistan or Hindustan? But it's always like this. Even before, when I was wearing normal clothes, people were like Hindustan or Pakistan. So I'll say Hindustan. Then fine, okay. मैं भुवानी भाई को कुछ रशियन वर्ड्स है ना सिखा रहा हूँ। तो इसमें देखिए, सबसे पहले है स्कोलका हाउ मच, देंगे मीन्स मनी, 100 किलोमीटर्स के लिए मैंने रेट बता दिया कि भाई को कितने देने टैक्सी में कई बार। Auto, it's not auto stop, it's AVA, auto, auto, auto stop. Okay. Malinki denge means small money. Kuda te dios means where are you going. Kak means what. Kak tive zabud, like what is your name. Imia means name. Kak dila means how are you. Normal la means I'm good. Khorosh, kharosho, kharosho. Ye dekh rahe ho, aapka bhai Russian teacher ban gaya hai. Pushkin ban gaya ho main. Aur yahan se sirf 2 ya 3 kilometer dur reh jata hai Turkmenistan border. परेड तीनों दिन के कॉलम में दाहिने मुड़े का दाहिने बुड। मैं भी NCC में था यार। स्पसिबो ब्रात, दीपांशु, ओके बाय बाय। ओके भाई, अब जाते हैं ऊपर थोड़ा। अभी हम हमारी जगह ढूंढ रहे हैं, थोड़ी अच्छी जगह हो यार, आसपास बिल विल ना हो जैसे ये, तो कहीं साफ ना निकल आए।
अभी हमें कैंपिंग के लिए थोड़ी बहुत जगह मिल गई है, एक टेंट हम यहाँ पिच करेंगे क्योंकि आसपास गाड़ी वाड़ी नहीं है। एक टेंट वहाँ पे जहाँ भवानी भाई खड़ा है भाई, जहाँ पे बैग वैग रखे हैं ना हमने, तो काफ़ी सही हो जाएगा यार। आई ऑलरेडी मेड लॉट ऑफ कैंपिंग सो बट दिस इज फर्स्ट टाइम इन डेजर्ट। नो वेरी सेकंड टाइम आई डिड इन राजस्थान। वेरी राजस्थान जैसा जैसा हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इट्स गुड अमेजिंग। भवानी भाई का जो टेंट है ना वो थोड़े अलग टाइप का है, मेरे वाला तो एक कुएचुआ वाला दो बंदों वाला, लेकिन भवानी भाई का टेंट वो एक बंदों वाला टेंट है, वन पर्सन। और हमें वो टेंट पिच नहीं करना आता है तो अभी हम वीडियो देख रहे हैं। वीडियो देखने के बाद हम पहले भवानी भाई के टेंट को पिच करेंगे, उसके बाद जो मेरे वाला टेंट है, मेरे वाला तो नॉर्मल ही है लेकिन इसमें थोड़ी बहुत टेक्निक लगेंगे। ये है भवानी भाई का टेंट, उड़ रहा है भाई, एक तो हवा बहुत तेज चल रही है तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे करें। भवानी भाई का टेंट पिच हो चुका है, थोड़ा अलग टाइप का टेंट है, अंदर से दिखाता हूँ आपको। ये छोटा सा ही है यार, ज़्यादा बड़ा नहीं है। भवानी भाई का वो रहा, मेरे वाला ये रहा, हमारी पानी की बोतल पड़ी है। प्लेस थोड़ी नहीं होना लेकिन क्या करें यार, जो भी है अब यही है। बट सामान वामान अंदर रखते हैं, फिर दोनों बाहर बैठ के खाना वाना खाएंगे। टेंट पिच कर लिया है और भाई हवा बहुत तेज़ चल रही है। बाकी अभी भवानी भाई को मैंने एसी वाले में बुला लिया क्योंकि भवानी भाई का है छोटे वाला टेंट, उसमें हम तो नहा नहीं पाएंगे। और अभी अभी खाने पीने वाला सीन करना है ना, तो हम भोजन का आनंद इसी टेंट में लेंगे, उसके बाद भवानी भाई वापस से अपने टेंट के अंदर चले जाएंगे। फ्रॉम डाउन, डोंट क्लोज इट, डोंट क्लोज दिस वन, या बिकॉज आई एम रियली अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। व्हाट यू हैव इन योर बैग मैन? आई हैव सम some chicken tikka chicken tikka yogurt yeah ye aaj ka hamara khana, this yogurt is good man, ye achhe hain। are machhar kahan se aa rahe hain? haryana punjab ke bandon ko dahi dikh jaye na to dahi ka koi bhi milk product मज़े आ जाते हैं। तो दो तो अभी खींचेंगे, एक मैं और एक भवानी भाई, और दो सुबह सुबह। सुबह हमारा प्लान है कि जल्दी से उठ के जो अमू दरिया है तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर, वहाँ तक हम बैग वैग उठा के सारी चीज़ें पैक वैक करके उधर तक चले जाएंगे। हाउ इज़ इट गोइंग मैन? एवरीथिंग गोइंग गुड, आई होप आई विल सी सम स्नेक टुडे। स्नेक? ओह मैन, बट आई एम अफ्रेड, व्हाट इफ समवन कम्स एंड टेक आवर कैमरा? I hope someone won't come man, otherwise there is no moon bro, it was there ha huh? हम बॉर्डर के पास कैंपिंग कर रहे थे और यहाँ से जो तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर वो ज़्यादा दूर है नहीं जैसे कि हमने आपको बताया था। और अभी आर्मी वाले आ गए थे और इस कारण से वो लोग बोलते कि नहीं आप रोड की साइड कैंपिंग नहीं कर सकते। जो कैंप हमने बहुत देर की मेहनत के बाद पिच किए थे अभी उनको हमने उखाड़ा है, ऐसे ही पीछे पैक कर रखे हैं अजीब तरीके से ताकि हम रोड के दूसरी तरफ पहुँच जाएँ। पंगा अब क्या है, एक तो हमें अच्छी जगह ढूंढनी है, रोड क्रॉस करना है और दोबारा इस टेंट को लगाना है। आल्सो प्लानिंग फॉर अफगानिस्तान बॉर्डर। नो आई एम नॉट गोइंग टू कैंप, नो नो आई विल कैंप बट फार फ्रॉम द बॉर्डर। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार अफगानिस्तान बॉर्डर के पास भी कैंपिंग कर ही लूँ। हम ना बाहर टाइम लैप्स बनाने आए हुए थे तो इस कारण से टेंट के अंदर लाइट जल रही थी, शायद उसी कारण से उन लोगों को पता चल गया होगा कि हम यहाँ पर हैं। इट्स फोर लेन रोड ब्रदर, बी केयरफुल, रोड क्रॉस हो रहा है रात को भाई, ये डिवाइडर और कूदना पड़ेगा। भवानी भाई ने देखा कि कोई आ रहा है हमारी तरफ, बट यू नो दे आर गुड, दे नॉट शूट अस, नो दे विल नॉट शूट मैन, नो ब्रो दे केम विद मी। ओ भाई उनके पास बंदूकें बंदूकें थी, लेकिन इसमें गलती हमारी भी तो है, हम बॉर्डर के पास क्यों कैंप कर रहे थे। यहाँ पे पास में एक ढाबा दिख रहा है, शुक्र उन्होंने हमारे गोली नहीं मारी। इज इट पुलिस?
पहले चाय पियेंगे थोड़ी बहुत, क्योंकि अब नींद तो हमारी उड़ चुकी है। हिंदुस्तान। एक कैंप को देखो हम कैसे पैक करके ले गए हैं। भवानी भाई ने तो थैली में डाल दिया। तो जो भी होना यार, कभी भी डोंट लूज योर कूल एंड पैनिक मत हो ऐसी कंडीशन में। अगर आप पैनिक हो गए ना, तो अगले बंदे को लगेगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो, और जहाँ पे अगले बंदे को शक होगा कुछ आप गलत कर रहे हो, वो हमें जेल में भी ले जा सकते थे, वो कुछ भी कर सकते थे यार हमारे साथ। लेकिन हर चीज़ को अगर आप कामली पॉजिटिवली हैंडल करोगे ना, तो हर चीज़ का इलाज है आपके पास। चाय पियेंगे पहले, एंड देन व्हाट्स द प्लान ब्रो, शुड वी हिचहाइक? रेस्टोरेंट के ओनर हैं भाई साहब, उनसे हम बातें बातें कर रहे हैं। बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है यार, बड़ा मस्त एक्सपीरियंस था यार। क्या हुआ, पहले एक ट्रक आया और जस्ट हमारे टेंट की सिधाई में, जस्ट हमारे टेंट के एकदम स्ट्रेट लाइन में वो टेंट रुका, लगभग 300 से 400 मीटर दूर। ट्रक की लाइट बंद हो गई, फिर कुछ बंदे उतर के उनके हाथ में बंदूक दिख गई थी हमें पहले ही, तो हाथों हाथ मैंने क्या किया, मैंने जो सर के ऊपर पोकल पहनी हुई थी ना, इसको उतार के बैग में डाल दिया। फिर यहाँ पे जो बंदे थे उनको थोड़ा बहुत डाउट हुआ कि यार ये बंदा लग तो नहीं रहा, फिर मजबूरी में मुझे चैनल के बारे में बताना पड़ा कि यार वी आर ब्लॉगर। इट वाज अ क्रेजी एक्सपीरियंस, माय फर्स्ट डे विद दीपांशु भाई। क्रेजी, एंड वी जस्ट, द वाल्मी इज कमिंग, वी आर जस्ट लॉफिंग इन देयर बिकॉज़ वी डोंट नो व्हाट टू डू, वी जस्ट शोड द हैंड। हमने सबसे अच्छी बात क्या की कि जैसे ही वो बंदे ट्रक से उतरे ना, हम ऐसे बोलने लगे हाय 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 हाय, ताकि उनको सस्पिशन ना हो कि कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर। He given 100 rupees and make it sleep. Oh, he don't English, okay. आज का हमारा जो सोने का जुगाड़ है वो हो चुका है। जो बाकी स्टोरी है ना, वो ढंग से सुबह समझा पाऊंगा, क्योंकि जो भाई साहब हैं वो अभी सो चुके हैं साथ वाली टेबल के ऊपर। इन टेबल के ऊपर लोग खाना खाते हैं, बस उम्मीद है कि ये मच्छर वच्छर ना खाएं, और भाई साहब लाइट बंद कर दें, क्योंकि लाइट उसमें नींद नहीं आने वाली है यार। बाकी देखते हैं, जो भी होता है सब आपके सामने ही हो रहा है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है ना वो ताबड़ तोड़ मिल रहे हैं। शुक्र है हमें आर्मी ने टपकाया नहीं तो न्यूज़पेपर में खबरें आती, उज़्बेकिस्तान के अंदर दो भारतीय लोगों की सरेआम कत्लेआम। अब हमारा है सोने का टाइम, बाकी सारी जो भी अपडेट हैं वो मैं आपको दिन में देता हूँ। गुड नाइट, सी यू इन द मॉर्निंग, बाय बाय।